नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल DADDD सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 8। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है इसकी हम लोग आज तीसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे टीचिंग मैथमेटिक्स। कैसे हम लोग मैथ पढ़ाएंगे, हमारे दैनिक जीवन में मैथ का क्या रोल रहता है, और मैथ कैसे पढ़ाई जाएगी, कौन सी शिक्षण विधियाँ लगाई जाएंगी। यूनिट 3 में आपको सभी चीज़ें गणित से संबंधित मिलेंगी, मैथ से संबंधित मिलेंगी। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी यूनिट इसके अंतर्गत इंग्लिश से होगी, और उसके बाद में आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। तो इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज हमारी यूनिट 3, जो आपसे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है कि दैनिक जीवन में मैथ यानी कि गणित शिक्षण की भूमिका और उसका महत्व क्या है। तो हम कहेंगे कि गणित जो है हमारी संस्कृति का क्या है, दर्पण है। हम बात करते हैं गणित पढ़ाने के लिए, अगर हम बात करते हैं गणित की, तो कहते हैं कि भैया, हम अगर अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं, सुबह अगर हम उठते हैं तो कहते हैं मम्मी से एक गिलास पानी दे दो, या हम कह सकते हैं कि हमको एक जोड़ी कपड़े चाहिए, या हम कह सकते हैं एक हमें चम्मच चाहिए। तो जो ये चीज़ें हमारे व्यक्तिगत, समाज और देश की जो भी आवश्यकताएं गणित के द्वारा पूरी हो रही हैं, वो आपकी गणित शिक्षण के अंतर्गत आएगा। इसका उद्देश्य होगा कि गणित की उपयोगिता को समझा जाए। जैसे मान लीजिए नाप तौल, समय, ये सारी चीज़ें, गिनती, कितना कुंटल हमने आलू खरीदा, कितना कुंटल हमने आलू बेचा, हमने कितना मापन किया, कितना दूध हमने लिया मॉर्निंग में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा से संबंधित, वे सभी चीज़ें हम विद्यालय ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर गणित में उपयोगी होती हैं। हम कह सकते हैं भैया कि समस्या समाधान कौशल, गणित का अध्ययन व्यक्ति में समस्या समाधान कौशल की क्षमता को बढ़ाता है। समस्या क्या है, तर्क और सोचने की जो क्षमता है, उसमें समाधान करने की जो क्षमता है, वो कौन अपना बढ़ा रहा है, अपनी गणित बढ़ाती है। जैसे कि कामकाजी जीवन, घर का बजट बनाना, मान लीजिए भाई एक महीने में कितना राशन लेके आना है, क्या क्या चीज़ें हमें उपयोग में लानी है, रोज़मर्रा की फसलों से लेकर के आदि। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्थिक प्रबंधन की, तो कहते हैं भैया वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कितना हमारा बजट है और क्या हमारा खर्चा है, हमारी आय क्या है, इसका हिसाब रखना, बचत और निवेश की योजना बनाना, भाई कितनी हम बचत कर सकते हैं उसके अंतर्गत, और क्या हम निवेश करेंगे तो हमें कितना कहाँ से लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे गणित के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन में मान लीजिए कहीं पर हमें जाना है तो वहाँ पर कितना समय लगेगा, हम अपनी ADL एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, विभिन्न समयों के अनुसार हम जो चीज़ें निर्धारित करते हैं उसका सदुपयोग हम समय का कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, किसके द्वारा, गणित के द्वारा ही संभव है। व्यावसायिक और तकनीकी कौशल, भैया गणित विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य व्यावसायिक क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं, गणित पर निर्भर करते हैं। गणित ज्ञान के बिना इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर गणित नहीं है भाई, जीरो नहीं है, दशमलव नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, तो क्या है कि भाई क्या हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या हम नई नई टेक्नोलॉजी जो गणित में आ रहे हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। समस्या समाधान किया जा सकता है, विभिन्न उद्योगों में गणित का उपयोग डिज़ाइन विश्लेषण और समस्या समाधान किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको गणित में देखने को मिलती हैं। तार्किक और विश्लेषण सोच, कहेंगे कि भैया तार्किक और विश्लेषण सोच में गणित के द्वारा तर्क और विश्लेषण की सोच जो है उसको विकसित किया जाता है। सूचनाओं का विश्लेषण करना, पैटर्न पहचानना और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है बच्चा। इसके बाद में जो भी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं, ADL एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था सामग्री का माप करना, कितना लीटर आपने आज दूध लिया, कितनी मात्रा रही, भाई आज आपने 1 किलोग्राम आलू लिया या 2 किलोग्राम आलू लिया,
कितनी आज आपने खरीदारी की तुलना, छूट उस पर आपको छूट कितनी मिली परसेंटेज यानी कि, और यात्रा करते समय दूरी और समय की गणना। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं तो 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक घंटा कितने 60 किलोमीटर आप चल रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, इसकी गणना करना भी आपके गणित के अंतर्गत आता है, दैनिक जीवन की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि गणित पढ़ना केवल विद्यार्थियों को अंकों और समीकरणों से परिचित कराने की तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके समग्र विकास और जीवन के हर पहलू में सफलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए गणित की शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए और भैया जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसे लागू करना चाहिए। तो ये आपकी गणित थी जो आपको 3.1 में देखने को मिली। हाँ भैया, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि भैया नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर भी आपके वीडियोस का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाता है, तो इसको आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट 3.2 की, तो कहेंगे गणित शिक्षण में के विभिन्न दृष्टिकोण, गणित शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीकें विद्यार्थियों को विषय को गहराई से समझने के लिए उसमें पकड़ मजबूत बनाने में मदद करता है। जो भी अप्रोचेज हैं, तकनीकें हैं, टेक्निक्स आपकी और दृष्टिकोण, इन पर हम लोग बात करेंगे, गणित की दृष्टिकोण और तकनीकों पर कहेंगे भैया गणित में जो मजबूत हैं, पकड़ है उसको मजबूत बनाने में ये मदद करता है। क्या करते हैं हम लोग जब गणित शिक्षण कराते हैं बच्चे को, तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया इन विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। इन विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ आपकी, कहेंगे भाई गणित पढ़ाएंगे तो हम आगमन विधि का उपयोग कर सकते हैं। किसका? आगमन विधि का उपयोग कर सकते हैं। गणित पढ़ाएंगे तो हम निगमन विधि का उपयोग कर सकते हैं। गणित पढ़ाएंगे तो हम निगमन विधि का उपयोग कर सकते हैं। आगमन विधि की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं भैया ये एक ऐसी विधि है जो प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरणों का प्रयोग करके, पहले हम क्या देंगे, उदाहरण देंगे, प्रत्यक्ष अनुभव देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे बच्चे को नियम बताएंगे। और निगमन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को क्या बताते हैं, नियम बताते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी उदाहरण है वो प्रस्तुत करते हैं। ये जो है आपका निगमन विधि, ये रटने पर जोर देता है, और ये क्या है, ये आपके समझने पर जोर देता है, ये आपके समझने पर जोर देता है। तो इसके बाद में हम लोग बात कर लेते थोड़ा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षा की, तो कहेंगे इस तकनीक में शिक्षक सीधे तौर पर गणितीय उदाहरणों को समझाता है और विद्यार्थियों को उदाहरण के माध्यम से समस्या समाधान की प्रतिक्रिया देता है। यही आपका एक तरीके से निगमन विधि के अंतर्गत आ जाता है। पहले उसकी गणित की अवधारणाएं समझाएगा और उसके बाद में उसमें क्या देगा, उदाहरण देगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सक्रिय शिक्षा की यानी कि एक्टिव लर्निंग की, तो कहेंगे विद्यार्थियों को गणित समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें ये जो गतिविधियां हैं, खेल प्रयोग, ये इसमें शामिल होती है और बच्चे की अधिक रुचि और संलग्नता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आपका अगर बात करें प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो कहते हैं भैया गणित अवधारणाओं को समझने के लिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है वो दिए जाते हैं, जिससे कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सके और बच्चा कार्य करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। इसके बाद में हम प्रयोग करते हैं किसका भैया, समस्या आधारित शिक्षा का यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का, तो कहेंगे कि इसमें विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के आधार पर गणित सिखाया जाता है, गणितीय सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझने और लागू करने में सहायता होती है। इसके बाद में प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड की बात करें, तो कहेंगे कि विद्यार्थियों को प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को समझाया जाता है। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है और सीखने के लिए अनुभव के लिए समृद्ध बनाता है। तकनीकी आधारित शिक्षा, जहां पर डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गणित को सिखाया जाता है, ऐसे शिक्षा ऐप, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूशंस आपकी जो है वो गणित सॉफ्टवेयर को और आकर्षित बनाती हैं और आकर्षण तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद में आपका कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी शिक्षा, कहेंगे कि भैया विद्यार्थियों को समूहों में बांट कर कार्य कराएंगे, एक दूसरे के साथ बच्चा विचार विमर्श करेगा और सहयोग करेगा। यह दृष्टिकोण
जो है संवाद कौशल को बढ़ावा देता है और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। क्या करता है बच्चा, एक साथ में और भैया संवाद कौशल को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आपका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या मॉडलिंग और विजुअल लर्निंग के आधार पर या हम लोग असिसमेंट के आधार पर आकलन बेस्ड शिक्षा, यहाँ पर लिखेंगे आकलन बेस्ड शिक्षा, आकलन आधारित शिक्षा के आधार पर। तो ये जो दृष्टिकोण हैं और तकनीकें हैं, इसका उपयोग करके विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है और सकारात्मक दृष्टिकोण जो है उसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने 3.3 की, और 3.3 क्या कहता है कि भैया टीचिंग मैथ स्किल्स इन एलिमेंट्री स्कूल, जो नियमित विद्यालय हैं हमारे, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें गणित सिखाने के विभिन्न तरीके, नियमित विद्यालयों में गणित सिखाने के विभिन्न तरीके। तो हम कहेंगे भाई जब नियमित विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अक्षर की पहचान कराते हैं, यानी कि संख्याओं को पहचानना सिखाते हैं कि भैया ये वन है, ये टू है, ये दशमलव है, ये सारी चीज़ें। तो ये फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को संख्याओं की पहचान करने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे। इसके लिए गीत और कविताएं, कहते हैं भैया एक मोटा हाथी दौड़ के चला, उसके बाद में क्या है, जाके वो कहाँ गिरा, अरे कहीं गिर गया वो, फिर दूसरा हाथी आया उसको निकाला, फिर दोनों चल दिए। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि संख्या और गीत के माध्यम से जो कविताएं बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो कविताएं बनाई गई हैं, 1 2 3 4 करके, वहां पर काउंटिंग वहां पर आपको सीखने को मिल जाती है, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं। खेल के माध्यम से भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं, खेल में मान लीजिए 1 1 और 2 ऐसे करके हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। हम बात करते हैं गिनती की, यानी कि काउंटिंग की। तो काउंटिंग कैसे कराएंगे, ब्लॉक्स के माध्यम से काउंटिंग करा सकते हैं। गिनती सिखाने के लिए खिलौने भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, 1 के ऊपर 1 ब्लॉक लगा करके भी, और गिनती की कहानियों को सुना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई, और हम लोग ऐसे बनाते हैं ना कि 1 2 ऐसे करके, 1 2 ऐसे करके, 3 तो इसको जोड़ते हुए आओ, तो ऐसे भी हम लोग सिखा सकते हैं। रोजमर्रा की गतिविधियों से भी कि 1 चम्मच लेके आओ, 2 कटोरी लेके आओ, 2 सीढ़ी चढ़ के जाओ, 2 सीढ़ी ऊपर से नीचे कूदो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके भी हम लोग करा सकते हैं। इसके बाद में आकार और पैटर्न, यानी कि शेप्स हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे, ये कैसे त्रिभुज है, ये चतुर्भुज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हम कहेंगे कि बच्चों को विभिन्न आकारों की पहचान करने के लिए चित्र और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चित्र का और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करते हैं कि भाई कह सकते हैं कि भाई कि ये, चलो देखो ये समोसा हमने दिखाया तो कहा भैया ये देखो त्रिभुज के आकार का है, या हमने चित्र दिखा दिया भाई ये देखो ट्रायंगल है आपका। और जो भी वास्तविक वस्तुएं हैं, मान लीजिए अगर हमें बच्चे को क्यूब सिखाना है तो हम बच्चे को क्यूब दिखा करके सिखा दें कि भाई ये देखो हमारा क्यूब है, ये देखो हमारी बिल्कुल सीधी रेखा है, ये देखो हमारा त्रिभुज है, तो ऐसे भी करके हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद में पैटर्न, रंगीन ब्लॉक्स और मोतियों का उपयोग करके भी सरल पैटर्न के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, और शिल्पकार बच्चों को छोटे आकारों में शिल्प बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद में जोड़ घटाना की अगर बात करें तो जोड़ना हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे, तो कहेंगे मैनिपुलेटिव्स के द्वारा जोड़ना सिखा सकते हैं, यानी कि जोड़ना और घटाना सिखाने के लिए मैनिपुलेटिव्स यानी कि बीड्स का उपयोग कर सकते हैं। मान लो हमने अगर बच्चे को 5 और +3 हमें 8 करवाना है, तो हम यहाँ पर हमने 5 बीड्स ले लिए, यहाँ पर हमने 3 बीड्स ले ली, और मिला करके हमने 8 बीड यहाँ पर ये सारे उठा करके हमने क्या की यहाँ पर अपना रख दी, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। या ब्लॉक्स के द्वारा हमने 5 ब्लॉक यहाँ पर रख दिए, 3 ब्लॉक यहाँ पर रख दिए, तीनों उठा करके सारे यहाँ पर रख दिए, तो 8 हो गए। तो ऐसे करके भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। खेल के द्वारा जोड़ना और घटाना सिखाने के लिए गणितीय खेल जैसे स्नेक जो है या लूडो है, इसके माध्यम से भी सिखा सकते हैं। और भैया चित्र का उपयोग करके भी जोड़ना घटाना सिखाया जा सकता है। मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे करके 5 3 फिगर बना दिए, प्लस कर दिया, ऐसे ऐसे करके 2 फिगर और बना दिए, तो हमने कहा भैया 1 2 3 और 4 5, तो यहाँ पर कितने फिगर हम लोग बनाएंगे, 5 फिगर बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके भी हम लोग सिखा सकते हैं।
इसके बाद में गुणा और भाग की अगर बात कर ले तो समूह बना करके, यानी कि गुणा सिखाने के लिए वस्तुओं के समूह बना करके और बच्चों को समझा गया गुणा का अर्थ क्या है। इसके बाद में फ्लैश कार्ड के द्वारा गुणा और भाग का टेबल याद करने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए गुणा और भाग के लिए जो भी मल्टीप्लिकेशन वार है इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो भी तकनीकियाँ होंगी, सक्रिय शिक्षा इंटरेक्टिव गतिविधियाँ हम बच्चों को कराएंगे, बच्चा यहाँ पर सक्रिय रूप से गतिविधियाँ करेगा और क्या करेगा वहाँ पर शामिल रहेगा। तो ऐसी चीज़ों का आयोजन कर सकते हैं, समूह कार्य के द्वारा बच्चों को समूह में बांट कर प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के द्वारा सिखाएंगे, तकनीकी आधारित यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के द्वारा बच्चों को हम शिक्षा की ऐप जो गढ़ती ऐप है उनके द्वारा सिखा सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अवधारणाओं को विजुअल तरीके से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद में भैया प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड में हम लोग बच्चे को गढ़ती अवधारणाओं को करना सिखाएंगे, कहानी सुना करके भी बच्चे को सिखा सकते हैं, गढ़ती अवधारणाओं को कहानी के द्वारा प्रस्तुत करके भी इसमें बच्चे की रुचि बनी रहेगी और बच्चा सीखेगा भी, ध्यान और रुचि दोनों बनी रहेगी। गढ़ती खेल के माध्यम से भी बच्चे को गढ़ती खेल सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग मैथ इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल। जो भी हमारा रेगुलर स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने की तकनीकियाँ जो हैं या ना केवल बच्चे के सिखाने की क्षमता को बढ़ाती है, बच्चे की गणितीय अवधारणाओं को भी बेहतर बनाती है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर लागू आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर शैक्षिक ऐप और गेम्स का प्रयोग करेंगे, जैसे इंटरेक्टिव गतिविधियाँ कहेंगे, शैक्षिक ऐप्स और गेम के माध्यम से बच्चे को गणितीय के कौशल सिखाए जा सकते हैं, इनके माध्यम से बच्चा सेल्फ प्लेस यानी कि व्यक्तिगत रूप से गति करके बच्चा अपनी गति को सीखते हुए जो है बच्चा बेहतर बन सकता है। इसके बाद में भैया स्मार्ट बोर्ड और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, विजुअल और इंटरेक्टिव शिक्षा स्मार्ट बोर्ड और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को विजुअल और इंटरेक्टिव तरीके से समझाया जा सकता है, उदाहरण के लिए ज्यामितीय आलेखन, डायग्राम, एनिमेशन के माध्यम से, समूह गतिविधियों में यह उपकरण समूह गतिविधियों के लिए भी उपयोगी होता है, जहां बोर्ड पर आकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल के माध्यम से आप बना सकते हो कि भाई ऑनलाइन टूल, जो भी वर्चुअल टूनिंग सेवाएं हैं उसके माध्यम से भी, जो भी वर्चुअल रियलिटी है उसके माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को 3D के माध्यम से, मान लीजिए अगर हमें कुछ ऐसा भी सिखाना है बच्चे को जो हमें बिल्कुल रियल लगे, जो वास्तविक लगे, तो हम लोग 3D या ज्यामिति आकृतियों के माध्यम से सिखा सकते हैं। एडिप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एडिप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर बच्चों की सीखने की शैलियों और गति के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाता है। इसमें विशेष शिक्षा में अत्यधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह बच्चे की जो प्रगति है उसकी निगरानी करता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर जो भी ट्रैक करता है और इसके लिए प्रगति बनाता है। क्लाउड आधारित शिक्षा के आधार पर जहाँ पर इसी और सहयोग यानी कि कोलाबोरेशन हम लोग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके बाद में आपका यूनिट 3.5 है, जहाँ पर सभी बच्चों के लिए क्या किया जाएगा कि गतिविधियाँ लाई जाएंगी कि भैया इन बच्चों को हम कैसे सिखाएं, इन बच्चों को कैसे सिखाएं, इन बच्चों को कैसे सिखाएं। तो आपके ASD बच्चे, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे, आपके ID बच्चे और SLD बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में, एलिमेंट्री स्कूल में उनकी अवधारणाओं का उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे, बात करेंगे किसकी, दृश्य सहायता की। जब हम लोग दृश्य सहायता की बात करते हैं, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर गणित की अवधारणाओं समझाने के लिए दृश्य सहायता यानी कि चित्र, ग्राफ और रीडिंग कार्ड के माध्यम का उपयोग करके गिनती और रंगीन गेंदों के माध्यम से सिखा सकते हैं। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके, जैसे बटन, बीन्स और छोटे खिलौनों का उपयोग करके बच्चे को जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग सिखा सकते हैं। इसके बाद में क्रमिक शिक्षण यानी कि टास्क एनालिसिस करके गणित के अवधारणाओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ करके विभाजित करेंगे और उसके बाद में बच्चे को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बच्चे को सिखाएंगे। इसके बाद में सामाजिक कहानियाँ, सोशल जो भी स्टोरीज होंगी, इसमें अवधारणाओं को, कहानियों को के मध्य से सिखाना, जहाँ पर आपको जोड़ना सिखाया जा सकता है, कहानियों के माध्यम से जोड़ना तोड़ना सिखाया जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से साधन को आकर्षित करके और ध्यान केंद्रित करके संवेदी गतिविधियाँ, सेंसरी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर गिनती करना, पानी में गिनना, या कह सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से जोड़ना और घटाना, ये सारी चीज़ें। तो जो नियमित दिनचर्या है इसमें हम बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से हम लोग IP बनाएंगे। भाई जो इंडिविजुअल बच्चा होगा उसमें हम IP भी बनाएंगे, बच्चे को एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को
रख करके भी चीज़ों को सिखाएंगे। इन तकनीकों के माध्यम से हम लोग बच्चे को अवसर दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो जो भी ये तकनीकें होंगे इसके आधार पर बच्चा सुलभ और अच्छी तरीके से सीखेगा और सीखने के नए अवसर उसको प्रदान होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रेनिंग पर। धन्यवाद।